ये देखिए आप, अब इसको नहीं निकलेगी, काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा इसको। इतना कुछ समझ सकते हैं आप में, तो ये क्यों पहनते हो? हैं, अच्छी बात है, निकालो सब। ये उंगली देखो दोस्तों, इधर नजदीक से, ये तो नॉर्मल है, पर ये सब उंगली देख के मुझे लग रहा है कि अंकल बहुत ही दिन से, मतलब काफी सालों से ऐसे ही पहनते थे। पूरा एपिसोड जो आपको देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल में पोपटभाई चैरिटेबल फाउंडेशन में अंकल को कैसे हमने रेस्क्यू किया किस हालात के साथ, तो आप वहाँ पे देख सकते। तो अब भी अपने आसपास लोगों की मदद कीजिए, चले अंकल की जिंदगी बदलने का छोटा सा जिम्मा उठाते हम। और पूरा रील वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शेयर कर दीजिए और सपोर्ट दीजिए, थैंक यू। दोस्तों मैंने एक बात अपनी जिंदगी में सीखी है, मैं तो वैसे हमारी पूरी टीम के साथ हर दिन कुछ ना कुछ व्यक्ति से मिलने की कोशिश करता हूँ, किसी की ज़िंदगी बदलने की हमारी पूरी टीम कोशिश करती है। कोई व्यक्ति हिंदू होता है, कोई व्यक्ति मुस्लिम होता है, कोई व्यक्ति क्रिश्चियन होता है, कोई व्यक्ति जो भी मजहब से है। मैं कोई मजहब से साथ जुड़ा हुआ नहीं व्यक्ति हूँ, मैं सिर्फ अपने सनातन धर्म में कही हुई बातों को सिर्फ मानता हूँ कि व्यक्ति एक इंसान इंसान के काम आए, व्यक्ति अपने मजहब से माने या ना माने वो खुद का निर्णय होता है। बट आज इस अंकल के हालात देख के मुझे लग रहा है कि व्यक्ति कोई भी मजहब का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, ओरिजिनल चेक नकली है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल से भाई, पैसे क्या काम में आए, पूरा खत्म हो गया, रखो उधर 10 से 15 हजार हो गए दोस्तों, 2000 की भी है। बट एक इंसानियत के नाते एक इंसान की मदद कीजिए। आज इतना सामान उसके शरीर में से, उतना बोझ हल्का हो गया कि आप सोच के भी हैरान हो जाते कि व्यक्ति कैसे जी सकता है। आप देखिए उसको, हमारा गर्मी नहीं लगती, ये घर अगर चाचा वो आप करो थोड़ा, हाँ? आपसे निकलेगा, काटो निकालना पड़ेगा, ये लगाओ कई बाजू दोस्तों, बॉडी पे इतना सारा कचरा पड़ा हुआ था, आप यहाँ पे आए के देखिए, पूरा चमड़ी पूरा घिस गया है, और इसकी अब हालात देखिए आप, हाथ दिखाइए अंकल, बोलो ये देख, पता नहीं व्यक्ति को सिर्फ बदलना कोई उसके पास क्यों नहीं जा रहा है उसको बदलने के लिए। आज अंकल जो भी कुछ हालात में है बिल्कुल बदलना चाहते थे,
बट किसी व्यक्ति के पास आने की जरूरत थी। बट चले कोई बात नहीं, आज हमारी किस्मत अच्छी है कि अंकल को सेवा करने का हमें मौका मिला हमारी पूरी टीम के साथ। ले रील मार लिया रखा है, ये सब आपके शरीर में से निकला। आपका सामान है ना सभी, ये कहाँ से लाते थे सब? वही पड़ा था, पड़ा रहता था, वो सब किचन में डालते थे। दोस्तों आप देखिए कि इतने सालों का बोझ, ये आप इधर, मैं वजन के हिसाब से बोलूँ तो मुझे लग रहा है कि 25-30 किलो वजन तो ये सब चीज का हो गया, और इतने सारे पैसे निकले कि पैसे का अभी हालात कुछ इस हिसाब से कि पैसे आप कहीं यूज भी नहीं कर सकते हो, और करते हैं कि पैसा देके ऐसे व्यक्ति के पास से गुजर जाते हैं, चलो कोई बात नहीं हमने सेवा कर दी है। पैसे से कुछ नहीं होता है, व्यक्ति की जिंदगी बदली नहीं जा सकती है। समय दीजिए और किसी व्यक्ति की जिंदगी बदलिए। पैसा सिर्फ एक पैसा ही होता है, और जब आप उसको सही तरह से उपयोग करेंगे, सही तरह से अच्छी जगह पर उपयोग करेंगे, पैसे का मूल्य हो सकता है। वरना ये कचरे के माफिक है, और ये कचरे में थे और अभी उसका सही से उपयोग किया जाएगा। चले कोई बात नहीं, अंकल की हालत बहुत ही गंभीर थी, बट कुछ ना कुछ बदलाव लाने की पूरी कोशिश की हमारी टीम ने। थैंक यू सो मच। मस्त दिख रहे हैं हम।